दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला के होटलों में रात 10 बजे के बाद पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर पर्यटकों ने कोविड को लेकर जारी किए गए नियमों की अवहेलना की तो ऐसे में उन्हें पेनल्टी पड़ सकती है। सभी होटल कारोबारियों को प्रशासन ने न्यू ईयर को लेकर जारी की गई सभी गाइडलाइंस को कॉपी पहुंचा दी है। ऐसे में सभी होटल व्यवसायियों को कोविड के नियम तोड़ने पर भी जुर्माना हो सकता है। बता दें कि शिमला में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। वहीं होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि 100% ऑक्यूपेंसी इन दिनों शिमला में चल रही है। ऐसे में ये तो साफ है कि आने वाला साल 2021 लोगों के लिए बहुत ही उम्मीदों भरा रहने वाला है। देखिए, हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी गाइडलाइन चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करने के लिए, खासकर टूरिस्ट के लिए। तो मैंने आज ही अपने सारे मेंबर्स को भी एक व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू सबको बताया है कि जैसे जैसे गेस्ट चेक इन कर रहे हैं उन्हें गाइड किया जाए कि जो हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस और SOPs है वो फॉलो की जाए स्ट्रिक्टली। और ख़ासकर जब बाहर निकलते हैं होटल से घूमने फिरने मॉलिंग के लिए या कुफरी की, तो और जहाँ भी मास्क जरूर पहने, ये हमने कहा है कि स्ट्रिक्टली अपने गेस्ट को बोलिए, बोलना जरूरी है। और रही कर्फ्यू की बात, जैसे सरकार की गाइडलाइंस है 10 बजे तक, तो 10 बजे के बाद हमने ये भी हमारे होटल वालों को सबको बोला है कि गेस्ट को बोल दिया जाए कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, उसके बाद वो अपने अपने होटल या जहाँ भी रहते हैं अपने अपने जगह पहुँच जाए, 10 बजे के बाद घूमना फिरना अलाउड नहीं है। देखिए, जैसे अभी क्रिसमस के टाइम देखा था हमने कि 100% शिमला फुल था, तो मुझे आज उम्मीद है कि आज और कल और परसों काफ़ी शिमला 90-100% ऑक्यूपाइड हो जाएगा। और शायद इस टाइम 3 और 4 को भी शायद बर्फ़ है, तो उसकी वजह से शायद प्रोलॉन्ग सीजन भी हो जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी रश शिमला की ओर आएगा और सारे होटल फुल रहेंगे। 31 को जैसे कि अभी कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है और सबको SOPs और गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो उस हिसाब से जो काफ़ी होटल है वो रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं अपने इवेंट्स के लिए। जैसे पहले होता था काफ़ी गाला डांस, ये वो ज़्यादा होटल कोई कर नहीं रहा है, खासकर क्योंकि 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो बाहर वाले गेस्ट तो जैसे लोकल्स भी कहीं बाहर जाते हैं इधर उधर, तो वो तो अलाउड ही नहीं रहेगा क्योंकि 10 बजे के बाद तो कर्फ्यू है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, और जो गेस्ट होटल में रुके हुए उनके लिए तो सब ठीक है, क्योंकि वो होटल के बाहर नहीं आएंगे तो उनकी तो पार्टी चलती रहेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।